सो इफ आई टॉक अबाउट दिस अप्लाई फैमिली अगर हम लोग अप्लाई फैमिली की बात करना शुरू करते हैं तो अप्लाई फैमिली हमें इसलिए दिया जाता है कि जितने भी आपने डेटा स्ट्रक्चर अभी अभी पढ़े हैं जितने भी डेटा स्ट्रक्चर आपने सीखे थे लिस्ट वेक्टर डेटा फ्रेम मेट्रिक्स कुछ भी आपने सीखा इन सब पे अगर आप काम करोगे तो आपको कोई लूप यूज करना पड़ेगा आई ट्रेड करने के लिए या कोई भी अगर आप इस पे काम करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ लॉजिक लिखना है टू परफॉर्म टू वर्क

अप्लाय फैमिली के कुछ फंक्शंस होते हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं जैसे कि खुद अप्लाय देन देर इज अ फंक्शन एल अप्लाय तो लेटमी फर्स्ट राइट डाउन द नेम ऑफ दोज फंक्शन देर इज अ फंक्शन एस अप्लाय देर इज अ फंक्शन टी अप्लाय देर इज अ फंक्शन वी अप्लाय then there is a function m apply then there is a function r apply so these are some functions l apply s apply t apply v apply m apply r apply ये functions हम क्यों पढ़ रहे हैं क्या इनका objective है ये functions हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी-अभी जो data structure जो data frames and all हम सबने सीखा है यहाँ पर उन सब पर काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है उनको हाइट्रेट करना पड़ता है उस पर लूप लगाना पड़ता है लूप लगाकर डेटा गेट करते हैं वन बाय वन और प्रोसेस करते हैं तो उस लूप को खत्म करने के लिए वी हैव दिस अप्लाई फैमिली तो वन बाय वन अभी सिर्फ हम थ्योरिटिकली बात करने जा रहे हैं कि जो अप्लाई फैमिली है वो आपका क्या यूटिलाइजेशन कैसे उसको किया जाता है कि लाइक इन सबका जो अलग अलग, अलग चीजें मुझे दी गई हैं इन सबका क्या ऑब्जेक्टिव है मेरे लिए

ठीक है ये आपने अभी अभी सीखा था ट्रिपल डॉट्स क्या करता है आपका वेन यू हैव डायनेमिक वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट तो मतलब यहां पे और भी आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं दिस इज वॉट इट इज से ठीक है तो ये कहता है कि आपको कोई एरे पास करना है रिटर्न भी एरे करेगा बदले में तो वो हम अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं आई एम जस्ट गिविंग बेसिक इंट्रोडक्शन ओके तो जब भी आपको कोई एरे पास करना है इसके अंदर या फिर कोई डेटा फ्रेम पास करना है कोई मेट्रिक्स पास करनी है देन यू आर गोइंग टू यूज दिस थिंग तो आप अप्लाई यूज करते हो ओके इट इज गोइंग टू रिटर्न एर ए लिस्ट और वेक्टर आफ्टर अप्लाइंग सम पर्टुलर फंक्शन ऑन दैट ओके उसका सिंटेक्स था अभी इसको कमेंट कर देते हैं तो अप्लाई क्या करेगा आपको एक कह रहे लिस्ट या वैक्टर रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन कि आपने यहां क्या लिखा है ओके एंड डोंट वरी अबाउट राइट नाउ द मार्जिन एंड ऑल विल बी टॉकिंग अबाउट दैन

तो अगर आप कभी भी जैसे अप्लाई हुआ अप्लाई हुआ कोई भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहां पर हम लोगों के पास क्या होंगे कुछ प्री डिफाइंड टाइप्स भी आने वाले हैं तो वो भी हम देखेंगे क्या वो प्री डिफाइंड टाइप्स होते हैं तो इट इज एक्चुअली सिमिलर टू यू कैन से एस अप्लाई एस अप्लाई के जैसा ही होता है बिल्कुल ओके okay. बट इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड टाइप ऑफ होंगे ओके एम अप्लाई आपका होता है मल्टीवेरिएट सो इट्स अ मल्टीवेरिएट वर्जन ऑफ अप्लाई मल्टीवेरिएट का मतलब क्या होगा मल्टीपल वेरिएबल्स तो अभी तक जितने भी फंक्शन हैं जैसे कि अगर हम किसी भी फंक्शन की बात करें तो जितने भी हमारे फंक्शन होंगे उन सब के अंदर क्या होता है जैसे लिस्ट है बता दिया लेकिन कितने पैरामीटर में पास कर रहा हूं यह देखना मेरे लिए जरूरी है एम अप्लाई कहता है मल्टीपल आप पास करो मल्टीवेरिएट मल्टीवेरिएट के नाम से ही क्या समझ आता है मल्टीपल वेरिएबल्स यू कैन पास हेअ तो देखेंगे उसका सेंटेक्स क्या होता है Okay. Then you have this R अब R किस चीज के लिए है? This is the recursive version of L apply. तो जो अप्लाई में सीखोगे उसी का रिकर्सिव वर्जन होता है हमारा अप्लाई रिकर्सिव मतलब बार 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 एक ही चीज को कॉल करना इज नोन एज रिकर्सिव तो ये होती है हम लोगों की अप्लाई फैमिली बाय डिफॉल्ट अब इस अप्लाई फैमिली का सिंटेक्स हम देखेंगे वन बाय वन लाइक हाउ वी आर गोइंग टू यूज व्हाट इज द यूज ऑफ दिस अप्लाई फैमिली तो जब डेटा आएगा तो कैसे हम लोगों को अप्लाई फैमिली हेल्प करती है फास्टर डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए फास्टर उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये सब चीजें करने के लिए आपको ये सारे फंक्शंस हेल्प करने वाले हैं सो आई होप वी आर क्लियर टिल है यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हैं जितनी भी हम लोगों ने देखी थी रिलेटेड टू अप्लाई फैमिली अब जितना भी आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा जो कुछ भी हमने सीखा उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अप्लाई फैमिली का यूज़ करेंगे ताकि हम लूप्स ना लगाएं लूप लगाने से बचें देखो जैसे अगर मुझे हर एक कॉलम का मेन चाहिए हर एक कॉलम का मीडियम चाहिए हर एक कॉलम की कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वी आर गोइंग टू यूज अप्लाई फैमिली फॉर दैट ओके, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बट फॉर दिस पार्ट वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थियोरटिकल थिंग सिर्फ अभी इतना की अप्लाई फैमिली एग्जैक्टली क्या होती है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे द वर्किंग ऑफ ईच एंड एवरी अप्लाई फंक्शन